नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 वीक के बाद हम आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में जो गाड़ी हमारी वो है 17 सीटर, बहुत दिनों के बाद 17 सीटर गाड़ी है। साथ में गाड़ी के जो ऑनर है मिस्टर अमृत भाई रावल और उनके साथ में साथी हमारे बहुत पुराने, सबसे पहले शुरुआत, बल्कि इनसे पहले कोई और भी थे लेकिन इनसे भी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है, हार्दिक भाई रावल। तो पहले स्वागत है अमृत भाई आपका बहुत बहुत, और अमृत अपना हार्दिक भाई आपको भी। तो ये दोनों साथी जो है लगभग एक ही घर के दोनों भाई रावल रावल हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का घनिष्ठ संबंध भी है। तो अमृत भाई ये आप माइक लीजिए पहले। और ये गाड़ी हमारी 17 सीटर है, 17 सीटर में सेम वही फुल 17 सीटर, 12 सीट और सोफा कम बेड गाड़ी बनी, फिक्स क्लास के साथ, क्लैडिंग के साथ में। आगे बम्पर ग्रिल रेगुलर मैक्सिमम गाड़ी में जा ही रहा है। तो क्लैडिंग और फिक्स ग्लास, ये दो ऑप्शनल चीज़ ऐसी होती है कि भाई बहुत सारे लोग फिक्स ग्लास नहीं बनवाते हैं, लेकिन कुछ लोग फिक्स ग्लास बनाते हैं गाड़ी की लुक के लिए। आपने फिक्स ग्लास बनाई, गाड़ी रेडी है, आपने कई जगह जो भी है मार्केट को परखा, जांचा, सारी चीज़ें देखी समझी, आज गाड़ी हमारे यहाँ आई, कंप्लीट होके जा रही है, क्या कहना चाहिए? मैंने जब गाड़ी लिया सब जगह पे पैसे मैंने देखा, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सब जगह पे देखा, सब जगह पे परखा जी। और मेरे को क्या, 1-2-3 बार आपके पास हम गाड़ियां बना के किसी और के साथ में आ, आप दूसरे के, हमारे दोस्त की गाड़ी में पहले हार्दिक भाई की गाड़ी बना, और दूसरा हमारा दोस्त था सुरेश भाई था, और भी एक दो लोग और एक दो था। तो मैं बाद में बोला 2-3 जगह पे गया, मगर मेरे को मन नहीं लगा, कभी मेरे को नहीं बनाना इधर, मैं आरसी में ही जाऊंगा। तो मैं आपके पास आया और लुक के हिसाब में मेरे को लगा कि मैंने फिक्स क्लास बनाएंगे तो थोड़ा लुक अच्छा आएगा, कदर थोड़ा धंधे में थोड़ा फिर रहेगा, 5-10 तो रहेगा। फिक्स ग्लास से लुक बनता है गाड़ी, ऐसा नहीं है फेयर जो आप कह रहे हैं कई बार, लेकिन वैसा नहीं। मैंने ये नोटिस किया है फिक्स ग्लास जो गाड़ी जा रही है वो कभी खड़ी आपको मिलेगी नहीं, कभी कभार छोटा मोटा फील आता है, लेकिन आप आगे की विंडो डाउन करिए उससे मार्केट चल जाता है। लेकिन वो हम मैक्सिमम सिटी में हमारे सर्विस स्टेशन भी है, तो फिक्स ग्लास की लुक गाड़ी अच्छी लगती है। फिक्स ग्लास की गाड़ी है क्या, रोड पे ज्यादा दिखने लगती है, सही बात। इसीलिए हमने सोचा कि अपने भी चलाएंगे तो फिक्स बनाएंगे तो चलेगी, नहीं बनाएंगे तो कहां से चलेगा, सही बात, सही बात। तो आज 1 महीने के अंदर गाड़ी जा रही है, अब आपने गाड़ी बनवाई, पहले हार्दिक भाई की गाड़ी देखी है, सुरेश भाई की गाड़ी देखी है, और भी 2-4 नाम है लेकिन सबके नाम ध्यान पे नहीं आते। तो अब आपकी गाड़ी अपनी रेडी है, अभी तक जो काम आपने बाकी में देखा और अपनी में देख रहे हैं, मतलब वैसा ही है या कुछ कम रहा या कुछ ऊपर रहा, या ऐसा तो नहीं कि भाई सबकी देखने के बाद अपनी बनाई और अपनी में मजा नहीं आया, ऐसा नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसे में है कि हमारे पहले हार्दिक भाई की गाड़ी बनाया, बाद में सुरेश भाई की एट ए टाइम बनाया, और उसके बाद हम 2-3-4-5 महीने के बाद मैंने लिया तो मेरी गाड़ी बनाया, उसमें थोड़ा आपका कैरियर का थोड़ा साइज में थोड़ा फेरफार किया आपने, और गाड़ी का अपने लुक वुक भी अच्छा बनाया हो, ऐसा उनका भी काम बढ़िया बनाया, अपना भी काम बढ़िया बनाया, सबका काम अपना बढ़िया। और आपने बोला था कि 43 दिन लगेगा, 45 दिन, तो आपने मेरे को 30 दिन में गाड़ी दिया, मैंने 7 तारीख को रखा था, ये 7 तारीख को दे दिया। वो है ना 30 दिन वाली बातें जो है, कई लोग हमारे और भी कस्टमर कहते हैं कि भाई आप वीडियो में बोलते हैं 30 दिन, जब गाड़ी लेके जाते हैं तो बोलते हैं 45 दिन। तो गाड़ी एक सिस्टम से देखिए, गाड़ी का जो टाइम बनता है वो टाइम कैसे बनता है, अगर आपके पास लिमिटेड गाड़ी, मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 10 गाड़ी है, 10 गाड़ी मेरी आराम से 25 से 28 दिन में निकल सकती, लेकिन वो गाड़ी आज की डेट में अगर हमारे पास 30 गाड़ी है, 29-30 गाड़ी है, तो टाइम आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नहीं, इसके लिए आपके पास क्यों थोड़ा जल्दी निकलता है कि पहले तो आपके पास स्टाफ अच्छा है और स्टाफ बड़ा है और सब जो मटेरियल आप बना के रखते हो तो उसमें खाली फिटिंग ही करने का होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम सेटलमेंट हो जाता है, इसीलिए अपने को अच्छा लगता है। और अपने को आपका स्वभाव अच्छा लगा, एक दो सब मिल जुलते रहते, कोई भी बात होती है तो उसका सॉल्यूशन आप निकाल लेते हैं, सही बात है कि भाई ऐसा नहीं है, निकालने से ही आगे का रास्ता खुलता है। आप सॉल्यूशन नहीं निकाले, उसको वहीं बंद कर दो तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। तो रास्ता आगे का खोल के रखना चाहिए भाई, मान लीजिए कहीं कोई पैसे की बात है, ऊपर नीचे थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार आपने कुछ 2-4-5 हज़ार, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, कहीं और कुछ है आपने बोला नहीं ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, हम बोले नहीं सर कुछ नहीं होगा,
एक पैसा कम नहीं होगा, जो हो गया वही होगा, कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे रास्ता थोड़ा सा रुक जाता है। तो हम चाहते हैं कि रास्ता खुला रहे, लेकिन छोटे मोटे ऊपर नीचे चीजें होती है, वो कोई नहीं, कई बार इतने बड़े काम काज में ऊपर नीचे पैसे या लेने थोड़ा मोटा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ता आगे के लिए खोल के रखना चाहिए, वो नहीं, हमारा नहीं, सोच वो है। तो आपको कभी भी ऐसा आपका स्वभाव के हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, वो आपकी सोच है हमारे लिए, आप हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, हार्दिक भाई ने गाड़ी बनवाई थी, अब साथ में आए, इनके साथ में एक दो गाड़ी हमने जैसे और भी बनाई है, कहीं ना कहीं अब आप ऐसे समझिए कि गाड़ी देख के आए आप, इनके साथ में दो तीन भाई, आपको व्यवहार अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, तो आप आए, लेकिन ये शुरुआत से आ रहे, इनसे पहले आए थे लक्ष्मण भाई हमारे, सबसे पहले मेहसाना से भैया आए थे, फिर हार्दिक भाई, फिर और धीरे धीरे गाड़ी अब तो बढ़ती जा रही। आपका क्या फीडबैक है, क्या क्या कमियाँ अभी तक गाड़ियों में आपकी आई, आपकी गाड़ी को एक कितना टाइम हो गया, अपनी गाड़ी को हो गया 7-8 महीने, आपकी को 8 महीने, लक्ष्मण भाई को लगभग दो साल के आसपास हो लिया है, फिर भी आपके 8 महीने के अंदर आपको क्या लगा कि हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट, जिससे हमको कुछ आगे को समझ में आए कि हाँ ये चीज़ हम सुधार सकते हैं? नहीं, नेगेटिव पॉइंट तो कुछ नहीं, थोड़े बहुत इंटीरियर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करने, मामूली की लाइट हो छोटी मोटी, वो चेंज का देखिए टाइम आता है, ऑफ सीजन में चेंज कुछ करते हैं, अभी हम चेंज करने बैठ जाएंगे तो हमारा ये काम होने वाला ही नहीं है। तो जो चेंज वाली बातें आपने कही है, बस वही बात है, तो और कुछ नहीं, अपने गाड़ी के अंदर चलने के बाद आवाज आई, कुछ और प्रॉब्लम आई है? नहीं, देखिए छोटा मोटा इतनी सारी गाड़ी जा रही है, तो किसी ना किसी में आप कहेंगे 100% आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद कहता हूँ, अगर कोई आदमी ये कह रहा कि 100% आपका जो प्रोडक्ट है वो सही निकलेगा, मशीन कभी नहीं निकल सकता, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें, मैंने सर ऐसी ऐसी अभी नोटिस करी चीजें कि अभी जो बरसात का मौसम, इस बरसात के मौसम में कुछ पेंट में शिकायत आई मेरी दो गाड़ियों में, तो वो एटमोसफेयर को लेके भी ऐसा हो जाता, जबकि पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी शिकायत दो गाड़ी में आई, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक एवरेज की बात करते हैं, 100 में से 5 गाड़ी कोई कंप्लेंट नहीं, 100 में से 50 गाड़ी कंप्लेंट आ, तो फिर भी उस एवरेज से आप क्या कहेंगे? नहीं, सही काम काज सही, क्या पहले तो अपना स्टाफ एकदम सही, कोई भी आदमी को कुछ भी बोलो कि भाई ये कर दे, ये थोड़ा रहेगा, वो मना नहीं करेगा पहले तो, सही बात, भले उसका काम है या नहीं है, वो दूसरे को बुला के भी वो काम, देखिए मना करने वाला, ये बात आपकी सही है, मेरे पास जितने भी कई और कंपनियों में क्या होता है, किसी को बोला कि भाई ये रह गया, वो बोलेगा भैया वो दूसरे का काम है, वो उसका काम है, उससे पूछो ना तो वो बोले नहीं 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 भैया वो मेरा काम नहीं है, वो दूसरा बोलेगा, ऐसे एक दूसरे पर डाल देते हैं, ऐसा काम अपने यहाँ नहीं है। लेकिन ये देखिए, एक ना इसके लिए भी एक तरीका है कि आप जो भी काम आपका, कोई आपने कुछ सुझाव देना, कुछ करवाना है, तो आप वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है, जो मैनेज कर रहा है उस चीज को, उसको पकड़िए, वो अपने आप मैनेज कराएंगे। आप जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, हालांकि हमारे यहाँ किसी ने आपको ऐसा नहीं बोला होगा, और कभी ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप एक मैनेजमेंट वाले को पकड़े, भैया ये चीज़ में इसमें ऐसा कराइए, तो वो अपने आप करवाएंगे। तो हमारे पास तो आप किसी को भी बोलिए ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जितने भी लोग हैं अभी हमारे पास, सब मैं कहता हूँ इन्हीं सब लोगों से आज मैं यहाँ हूँ, तो अच्छे लोग हैं सारे, और हम कहते हैं लंबा जुड़े रहे तो बड़ी अच्छी बात है, जुड़े वो तो कुछ लोग आगे जाते काम देखिए, देखो मैंने एक गाड़ी बनाई, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास देखना कितनी गाड़ियाँ बनेगी, भी मेरे पास टोटल 5-6 गाड़ी और बन गई, और सही बात आएगी, और भी गाड़ी आएंगी, अपने क्या काम देख के आएगी, वो समय के हिसाब से आदमी, ऐसा नहीं है कि पैसा देख के गाड़ी एकदम से आ जाएगी, लेके आया बरोबर, तो मैंने दूसरी गाड़ी मेरे दोस्त की, वहाँ से मैंने सीधा मंगाया, हमने दोनों 26 सीटर आपने मंगा के दिया, तो मैंने उसको बोला था अब तुम अभी लेके मत आओ दो गाड़ी, जब मैं रखू उसके बाद आप, मैं जहाँ रखू वही रखना, तो उसने भी बोला कि हम लोग अपने को जयपुर में रखना है, आप रखते हो वहाँ, अगर अपने को अच्छा नहीं तो मैं इधर आ गया आपके पास, तो दो गाड़ी आपके पास आ गई, दो आ गए। देखिए इसमें क्या है, आप आए, आपको मान लीजिए अच्छा लगा तो आप आए, आपके बाद गाड़ी जाने के बाद कोई और देखेगा उसको अच्छा लगेगा तो वो आएंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भले ही हम फ्री में बनाए कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही है, सही। अगर आपका काम पसंद है, काम पसंद है तभी तो आएगा, जो भी है प्रोडक्ट आपका, कोई ऐसे कोई बोलने से कोई नहीं आ जाता भाई मैंने लगाई तो तू भी आ जा, फ्री जो भी काम है गाड़ी का काम सही लगा उस हिसाब से देखा, आपका काम सही है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया अगर वो सही समझ में आ रहा लोगों को तो कोई भी आएगा, नहीं तो कोई नहीं, नहीं वो तो है जो भी काम पर ही है। और कुछ हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आगे बढ़िया सुझाव के लिए, कुछ देखने समझने के लिए? नहीं कुछ सही है, सब बढ़िया है, और आपका जो भी समझो, मैनेजर समझो, वेवेट समझो, कोई भी कुमार जी इंसान बहुत बढ़िया है,
कुछ भी होता है तो वो अपने को सेटलमेंट कर देता है और उनको बोलो कि टायर में क्या दिखता है तो भी वो काम करता है अपना। देखिए मैंने क्या कहा कि बहुत सारे लोग ये इन्होंने शिव कुमार जी ने हमको 8 साल दिए हैं, बहुत लंबा समय होता है, आगे कहाँ तक जाएंगे देखिए वो नहीं पता, वो फ्यूचर पे डिपेंड है। लेकिन जो भी लोग हमारे पास प्रिंटर डिपार्टमेंट जुड़े हैं, कम से कम 5 साल से प्रिंट वाले जुड़े हैं, तो कुछ लोग जो हमसे लंबा जुड़े हैं, जो लंबा जुड़े हैं भाई कहीं ना कहीं हम उनको वो हमको समझ में आ रहे हैं तो हम लंबा चले, तो हम चाहेंगे ऐसे आगे लंबा चलें और जितने भी लोग हैं अच्छे जो लोग हैं स्वभाव से जो अच्छे हैं उनको हम जोड़ के देने साथ में, हमारी यही एक इच्छा रहती है। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए यही है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आगे जुड़ना चाहते हैं, भाई साहब है महसाना से, कोई भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप फीडबैक ले सकते हैं, कस्टमर से भी फीडबैक ले सकते हैं, हमको डायरेक्ट फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं, नंबर है 9680776402, और इसी पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना समझना, कोई न्यू इंक्वायरी आपकी है, कुछ जानना है तो आप हमसे ही पूछ सकते हैं, जो हमारे बाकी कस्टमर साथी होते हैं अलग अलग एरिया के, आप वहाँ से उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो किसी की रिक्वायरमेंट है तो आप बताइएगा और हम चाहेंगे कि आपके लिए ऐसा ही अच्छा चीज़ प्रोडक्ट हमेशा आपके लिए लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमृत भाई, आप गाड़ी चलाएं, बढ़िया तरक्की करें, कमाएं और दोबारा हम मिलेंगे, उम्मीद रखेंगे। ठीक है हार्दिक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाड़ी है फिक्स क्लास, मैंने आपको पहले ही बताया, फिक्स क्लास 17 सीटर 2x1 और बम्पर ग्रिल क्लैडिंग के साथ है। मैक्सिमम गाड़ियों में हमारा यही एक पैकेज मिलकर जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं आपको गाड़ी हमारी, फिलहाल आज तो हमने नहीं दिखाई लेकिन जो हमारा इंटीरियर है बाकी सारी गाड़ियों में हम और दिखाते हैं, आज फिलहाल फीडबैक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।